वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में फ्री कॉन्सेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट से रिलेटेड टॉपिक के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। टोटल 12 एमसीक्यूज होंगे और इनका फोकस मेनली फ्री कॉन्सेंट के एरिया पर होगा। और एक और वीडियो हम बनाएंगे, उसके अंदर हम वॉइड एग्रीमेंट जो होते हैं, स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट, इसको फोकस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि रिलेशन बिटवीन द पार्टीज मस्ट एग्जिस्ट टू यूज फ्रॉड, अंडू इन्फ्लुएंस, कोर्जन और मिस्टेक। चारों ऐसे पॉइंट्स हैं, अदर देन एक इनके अलावा जो आइटम होता है वो होता है मिसरिप्रेजेंटेशन, जो कि फ्री कॉन्सेंट का लैग क्रिएट करते हैं। तो जिस इसमें से जो आइटम जिसमें पार्टीज के दरमियान रिलेशनशिप होना जरूरी है, बाय डेफिनेशन रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज का वर्ड यूज हुआ है अंडू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन के अंदर। सो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन टू है कि अंडू इन्फ्लुएंस इंप्लाइज कि इसमें क्या चीज शामिल होती है। तो हम चार स्टेटमेंट्स हैं, देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व मेंटल एंड मॉरल प्रेशर। इस हद तक तो बात इसमें ठीक है, क्योंकि डोमिनेटिंग पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए अनफेयर एडवांटेज लिया जा रहा होता है, तो वो ऑब्वियसली मेंटल और एक मॉरल प्रेशर एग्जर्ट कर रही होती है डोमिनेटिंग पार्टी। फिर एक क्रिमिनल लाइबिलिटी इज इनकर्ड। ये जरूरी नहीं है कि क्रिमिनल लाइबिलिटी कोर्जन के अंदर तो क्रिमिनल लाइबिलिटी इनकर हो रही होती है, ये अंडू इन्फ्लुएंस में नहीं होती। प्रेशर ऑफ मनी तो ये जरूरी नहीं है, और फिजिकल प्रेशर या थ्रेट वगैरह भी जो होता है वो कोर्जन के अंदर होता है, अंडू इन्फ्लुएंस में नहीं होता। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन थ्री है कि कोर्जन मे बी डायरेक्टेड अपॉन। तो कोर्जन के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो कोर्जन है वो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से भी अराइज हो सकती है और स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट की तरफ भी अराइज हो सकती है। तो कोर्जन में भी डायरेक्टेड अपॉन के हिसाब से हम परस्पेक्टिव को देखते हैं। द पार्टी हुज कॉन्सेंट इज बीइंग कास्ट, बिल्कुल उस पर भी हो सकती है। एनी अदर पार्टी, उस पर भी हो सकती है। अगर किसी को ये थ्रेट दिया जाता है कि लेट्स से कि किसी उसके रिश्तेदार को, उसके रिलेटिव को, उसकी बच्चों को या उसके पेरेंट्स या सिबलिंग्स को नुकसान पहुंचाया जाएगा और इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, तो ये थ्रेट भी कोर्जन की डेफिनेशन में आता है। तो एनी अदर पार्टी भी आता है। सो ऑप्शन सी जो है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें ए और बी दोनों कवर होते हैं, तो ज्यादा कंप्रिहेंसिव है। नॉन ऑफ द अबव तो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर के जो ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, सो ऑप्शन सी करेक्ट कंसीडर होगा। क्वेश्चन फोर है कि फ्रॉड एग्जिस्ट इफ इट इज शोन दैट फॉल्स स्टेटमेंट हैज बीन मेड नोइंगली, जानबूझ के गलत स्टेटमेंट बोली जाए तो ये भी फ्रॉड है। विदाउट बिलीफ इन इट्स ट्रुथ, जब जानते हैं कि ये ट्रू नहीं है और फिर भी बात कर रहे हैं तो ये भी जो है फ्रॉड के उसमें आएगा। Recklessly, without caring it to be true and false, अगर देखें जनरली तो स्टेटमेंट्स जो हैं आपको जिम्मेदारी से देनी चाहिए, लेकिन आप उसमें रेकलेस हो तो ये भी पॉसिबल है फ्रॉड के लिए। डी ऑप्शन है कि ऑल ऑफ द अबव इफ डन विद एन इंटेंशन टू डिसीव। इंटेंशन टू डिसीव के साथ तो कोई भी एक्ट जो होगा वो फिर फ्रॉड की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन फाइव है कि अंडू इन्फ्लुएंस इज लीगली नॉट प्रिज्यूम्ड इन केस ऑफ। तो हम देखेंगे कि कुछ हमारे पास बुक के अंदर मेंशन भी हैं कि जी क्या क्या चीज़ किस किस सिचुएशन के अंदर प्रिजम्पशन होती है अंडू इन्फ्लुएंस की, और कुछ हम लॉजिक के साथ भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। गार्डियन एंड वार्ड, गार्डियन ऑब्वियसली जिस माइनर का या जिस पर्सन का अपॉइंटेड होता है तो वो उसको एक डोमिनेटिंग पोजिशन उसमें होती है। क्रेडिटर और डेटर में नहीं होती, क्रेडिटर और डेटर दो लोग आपस में बिजनेस कर रहे हैं, एक की डोमिनेटिंग पोजीशन दूसरे पर क्यों होगी, तो क्रेडिटर और डेटर में नहीं होती। सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, क्योंकि जो लॉयर होता है उसको अपने क्लाइंट की तमाम डिटेल्स पता होती हैं, तो वो वहां पर सॉलिसिटर जो है उसके पास कह लें कि एक डोमिनेटिंग पोजिशन होती है। ट्रस्टी और बेनिफिशियरी में, क्योंकि बेनिफिशियरी को जिस प्रॉपर्टी का बेनिफिट पहुंचाना होता है वो कंट्रोल में ट्रस्टी के होती है, तो ट्रस्टी की भी डोमिनेटिंग पोजीशन होती है। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना यह था कि किस में अंडू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं होता, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अच्छा, आप स्टेटमेंट देखते जाते हैं। Undue influence must be exercised by or against the party to the contract. Undue influence में तो क्योंकि parties के दरमियान relation होता है और उन्हीं को एक एक party dominate कर रही होती है दूसरी पर, तो ये बात ठीक है कि against, by और against the party होना चाहिए।
फिर एक कोर्जन कैन भी एक्सरसाइज बाय स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, थर्ड पर्सन की तरफ से भी एक्सरसाइज हो सकता है और थर्ड पर्सन पर भी एक्सरसाइज हो सकता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल इफ इट वॉज कॉज बाय मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, ये बात भी ठीक है, क्योंकि मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ को मिस्टेक कंसीडर ही नहीं किया जाता हमारे लॉ के मुताबिक, ये समझा जाता है कि हर पर्सन की ड्यूटी है कि उसे पाकिस्तानी लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। तीन स्टेटमेंट ये ठीक हो गई। लास्ट स्टेटमेंट है कि ड्यूटी टू स्पीक डज नॉट मेक साइलेंस एज फ्रॉड, जिस सिचुएशन में ड्यूटी टू स्पीक होती है उसमें अगर कोई पर्सन साइलेंट रहता है तो ये फ्रॉड कंसीडर होता है, तो ये स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। हमें भी नॉट ट्रू बताना था, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन सेवन है कि अ पर्सन थ्रेटन्स टू कमिट अ सुसाइड इफ हिज वाइफ एंड सन डिड नॉट कॉन्टैक्ट विद हिज ब्रदर टू रिलीज सर्टन डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी इन हिज फेवर, व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ दिस एग्रीमेंट। थ्रेट जो है ये वैसे भी कोर्जन की डेफिनेशन में आता है, फर्दर ये कि बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट ये है कि सुसाइड कामयाबी से कर लेना तो क्राइम नहीं है पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक, लेकिन सुसाइड की कोशिश करना या किसी को उसके लिए थ्रेट करना ये ऑफेंस है अंडर पाकिस्तान पीनल कोड 1860। तो हम इस परस्पेक्टिव से लीगल स्टेटस बताएंगे। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कास्ट बाय कोर्शन, बिल्कुल इसमें अंडू इन्फ्लुएंस नहीं है, इसमें मॉरल प्रेशर वाली बात होती तो वो तो अंडू इन्फ्लुएंस ही होता, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन एट है कि बिलाल इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कलर टेलीविजन सेट्स, ही गिव्स एन एडवर्टीजमेंट दैट इन हिज ओपिनियन टेलीविजन सेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम इज द बेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट, सच स्टेटमेंट। अच्छा, क्या ये मिसरिप्रेजेंटेशन है, क्या ये एक्टिव कंसीलमेंट है, फ्रॉड है, विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। अच्छा, अब इसमें जाहिर बात है कि ये अगर हम बात करें तो एक्टिव कंसीलमेंट तो ये बिल्कुल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है प्रोडक्ट में फॉल्ट वगैरह जिसको वो छुपा रहे हो। अच्छा, क्या ये फ्रॉड है, यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी हुई कि उनकी इंटेंशन टू डिसीव है, तो ये फ्रॉड भी नहीं है। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं विल नॉट अमाउंट टू अ फ्रॉड। मिसरिप्रेजेंटेशन ये उस सूरत में होती जब यहाँ पर क्वेश्चन में ये बात बताई हुई होती कि ये जो रिप्रेजेंटेशन थी एज टू फैक्ट थी और थी भी फॉल्स। अब वैसे जनरली अगर हम कहते हैं कि कोई भी अपनी गुड्स की तारीफ करता है, उसकी ओपिनियन वो देता है कि जी मेरी गुड्स के जो है ना अच्छी हैं और क्वालिटी उनकी हमने अच्छी बनाई है, तो ये फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होती। हाँ, जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन एज टू अ फैक्ट दी जाए और वो फॉल्स हो तो फिर मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकती है। सो ऑप्शन ए भी सही नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नाइन है कि अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज, ये तो कोर्जन की डेफिनेशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन टेन है कि अ यंग विडो वाज फोर्स्ड टू अडॉप्ट द बॉय अंडर थ्रेट ऑफ प्रिवेंटिंग द डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड फ्रॉम बीइंग रिमूव्ड एंड गेटिंग क्रीमेटेड, कैन विडो सेट असाइड अडॉप्शन डीड। तो हमें यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि एडॉप्शन डीड वो कर सकते हैं, तो इसका पहली बात तो ये है कि कॉन्सेंट तो फ्री नहीं है उनकी, थ्रेट के थ्रू कॉन्सेंट ली गई है, तो यस शी कैन सेट असाइड, सेट असाइड मतलब कैंसिल कर सकती हैं, तो जवाब है यस। तो ए और बी तो आंसर नहीं हो सकते, सी या डी में से आंसर होगा। अच्छा, फिर जो कॉन्सेप्ट है कि एडॉप्शन डीड कोर्जन से हुई थी या अंडी इन्फ्लुएंस से, तो यहां पर क्योंकि थ्रेट इन्वॉल्व है तो हम इसमें कोर्जन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 11 है कि कोर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय, तो जो डेफिनेशन है उसके अंदर पाकिस्तान पीनल कोड के हिसाब से डिफाइन हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 12 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट फ्री कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज, तो फ्री कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज जो है वो पांच चीज़ों से अफेक्ट होती है, एक तो फ्रॉड से भी होती है, मिसरिप्रेजेंटेशन से भी होती है, अंडू इन्फ्लुएंस से भी होती है, और इसके अलावा होती है कोर्जन से और मिस्टेक से।
और हमने बताना है जिससे इफेक्ट नहीं होते, तो वो तो एक लास्ट ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। फर्दर ये कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो है ये एक पर्सन की को कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाती, यानी उससे अलग कर देती है कि वो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता जब उसका माइंड अनसाउंड होता है, तो इसका ताल्लुक फ्री कॉन्सेंट से नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। तो ये हमारे 12 MCQs थे जो कि फ्री कॉन्सेंट के एरिया पे थे। नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाएंगे वो वॉइड एग्रीमेंट से रिलेटेड MCQs पर होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।